संधि में जो होता है संधि को इंग्लिश में ज्वाइनिंग भी कहते हैं। जब दो वर्णों को या दो शब्दों को हम आपस में जोड़ते हैं तो उससे क्या होता है, एक नया शब्द बनता है, उस शब्द में परिवर्तन होता है, उसको हम संधि कहते हैं। ठीक, अब देखेंगे हम संधि, संधि की परिभाषा देखिए, हम देखेंगे संधि की, संधि की परिभाषा। ठीक, देखिए संधि की परिभाषा को देखने से पहले हम संधि का अर्थ समझेंगे कि संधि होती क्या है। संधि होती है जब दो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़ना। आपको ये मालूम होना चाहिए, हम जब संधि की डिफिनेशन लिखते हैं तो मुझे ये मालूम होना चाहिए बेटा कि संधि में होता क्या है, संधि का अर्थ होता क्या है। तो संधि का अर्थ होता है हमारा मेल या जोड़ना, मेल जिससे आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाता है जब दो या दो से, जब दो या दो से अधिक वर्ण वर्ण परस्पर मिलते हैं तो उनके रूप में परिवर्तन या विकार आ जाता है, वही परिवर्तन या विकार हमारा क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो चलिए हम इसके डिफिनेशन देखते हैं बेटा, संधि। ठीक, संधि की परिभाषा देखते हैं। संधि
और थर्ड हमारा है विसर्ग संधि। थर्ड हमारा कौन सा बेटा? विसर्ग संधि। ठीक, देखिए आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि स्वर हमारे कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। बहुत सी जगह आप जाते हो, कोई अगर पूछ देता है बेटा अच्छा ये बताइए हिंदी में स्वर कितने होते हैं व्यंजन, तो स्वर की संख्या हमारी 11 होती है, व्यंजन की संख्या हमारी 33 होती है, मीन्स 33 होती है। ओके, तो हमने आपको बताया स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हमने आपको क्या बताया परिभाषा? जब दो या दो से अधिक वर्ण परस्पर मिलते हैं तो मिलने से उनके क्या होता है, उनके रूप में परिवर्तन या विकार आ जाता है। यही परिवर्तन और विकार हमारा संधि कहलाता है। जैसे योग प्लस अभ्यास, छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, तो वहाँ पर क्या होगा? योगा अभ्यास, योगा गा गा में आगे मात्रा, आगे मात्रा क्यों लगी? क्योंकि छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, बड़े आगे मात्रा गा में लग जाती है, तो हमारा क्या हो जाता है? योगा अभ्यास हो जाता है। अब संधि के भेद हमने बताया आपको, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए अब हम आपको बताते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भी हमारे भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? देखिए स्वर संधि के हमारे होते हैं 5 भेद। स्वर संधि के हमारे कितने भेद होते हैं बेटा? 5 भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए स्वर संधि का हमारा होता है, सबसे पहला होता है दीर्घ संधि। ठीक है, पहला है हमारा दीर्घ संधि। Deep।